नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी पर। मैं हूँ आपके साथ अमन शुक्ला। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया है, जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे पार्टी में डरपोक नेताओं की जरूरत नहीं है। यह बयान सुनते ही सिंधिया के कट्टर समर्थक मंत्री जी भड़क गए और राहुल गांधी को जमकर खरी खरी सुना दी। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया टीम के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें डरपोक लोगों की जरूरत नहीं है और ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो बाद में आरएसएस के साथ मिल जाए। उन्होंने कहा कि देश में निडर लोगों की कमी नहीं है, इसलिए डरपोकों को बाहर निकालो और निडर लोगों को पार्टी में शामिल करो। आइए आपको पहले राहुल गांधी का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही, इसके बाद आगे की खबर बताते हैं। सारे लोग जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ आरएसएस के, हो जाओ भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए। तो सुना आपने राहुल गांधी का ये बयान। हालांकि राहुल गांधी ने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन समझा जा रहा है कि उनका इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ ही था। इसलिए राहुल गांधी का बयान सामने आने के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और जमकर हमला बोला। सिंधिया समर्थक नेता ने कहा कि अगर ऐसा बयान राहुल गांधी की तरफ से आया है तो पहले वो अपने अंदर झांक कर देखें। राहुल गांधी को पहले अपने गिराबा में झांक कर देखना चाहिए और फिर किसी का आकलन लगाना चाहिए और तभी किसी दूसरे पर कटाक्ष भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी तो खुद डरपोक हैं, तभी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ने में विश्वास नहीं दिखाया और वो केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ने चले गए और वहां कहते हैं कि उन्हें डरपोक लोगों की कांग्रेस में जरूरत नहीं है। जो राहुल गांधी अपने ही पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में डरपोक और निडर कौन है यह समझा जा सकता है। खैर, मंत्री जी ने बात तो बिल्कुल ठीक कही कि जो राहुल गांधी हार से इतना डरते हो कि उन्हें अमेठी छोड़कर वायनाड जाना पड़ जाए, वो सिंधिया के बारे में बात नहीं करें तो बेहतर है। दूसरी बात, डूबती हुई नाव पर सवार आदमी डरेगा नहीं तो आखिर क्या करेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी का हर बड़ा नेता यही सोच रहा है कि वो डूबती हुई नाव पर सवार है जिसका मुखिया राहुल गांधी जैसा आदमी है। ऐसे में पायलट से लेकर सिद्धू भी कहीं ना कहीं दूसरी नाव की तलाश करने में लगे हुए हैं और सरकार गिरने के डर से राहुल अपने ही नेताओं को खुश नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से सिंधिया पर कटाक्ष कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी की बात को ना तो जनता ही सीरियस लेती है और ना ही सिंधिया। बाकी राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसको लेकर लोग राहुल गांधी को जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।